नमस्ते दोस्तों, जयास किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके साथ जोधपुरी शाही कबूली की रेसिपी शेयर करूंगी। ये फेमस है जोधपुर में क्योंकि यहाँ हर फेस्टिवल पे ये बनाई जाती है। यहाँ पर ये सभी को पसंद है, आने वाले मेहमानों को भी इसे खिलाया जाता है। तो देखिए कैसे बनती है ये शाही जोधपुरी कबूली। देखिए, कबूली बनाने के लिए हमने एक बड़ी कटोरी चावल लिए हैं। इन्हें हम अच्छे से धोकर एक घंटा भिगो देंगे। चावल एक घंटे में अच्छे से भीग गए हैं। इसमें से अब हम ये पानी निकाल कर इसे एक भगोले में दूसरा पानी बॉईल करके चावल को हम अच्छे से उबालेंगे। चावल हमने उबालने रख दिया है। चावल को हम कम से कम मीडियम फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक बॉईल करेंगे, जब तक कि ये सॉफ्ट नहीं हो जाए। हमारे चावल बॉईल हो रहे हैं तब तक हम कबूली में डालने वाली सब्जियों को डीप फ्राई करेंगे। उसमें हमने 4 से 5 स्लाइस ब्रेड लिया है, उसको छोटे छोटे कटिंग की है। 3 मैंने बड़े प्याज लिए हैं, उनको गोल कटिंग किया है। 2 मैंने आलू लिए हैं, आलू को मैंने पतले और लंबे में कटिंग की है। आप चाहें तो दूसरे शेप में काट सकते हैं। और थोड़ी मैंने फूल गोभी ली है, लगभग 250 ग्राम। आप अगर ज्यादा पसंद करते हैं तो ज्यादा डाल सकते हैं। तो हम इन चारों चीजों को फ्राई करेंगे। सब्जियां फ्राई करने के लिए हमने तेल गरम कर लिया है। तो सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे। आलू को अच्छे से सॉफ्ट होने तक हमें फ्राई करना है। आलू को हमने लगभग 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई किया है। इतनी देर में ये सॉफ्ट हो गए हैं क्योंकि हमने इसकी कटिंग पतले शेप में की थी। अगर आप मोटे शेप में काट रहे हैं तो थोड़ा आपको ज्यादा फ्राई करना पड़ेगा। अब इन्हें निकाल लीजिए। गोभी को भी हम डीप फ्राई कर रहे हैं, इसे भी हमें सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। ये देखिए प्याज भी हमारे डीप फ्राई हो रहे हैं। हमने इनको गोल कटिंग किया था तो ये सारे अलग अलग हो गए हैं। कबूली जब हम रेडी करेंगे तो ये अलग अलग रिंग बनी हुई बहुत ही सुंदर लगेगी, इसीलिए हमने गोल कटिंग किया था। ब्रेड को हम हल्का ब्राउन होने तक तलेंगे, ज्यादा नहीं फ्राई करना है, नहीं तो ये बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगी। 7-8 मिनट हो चुके हैं, चावल भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। आप इन्हें इस तरीके से दबाकर देख सकते हैं, ये देखिए। तो अब हम चावल का पानी निकाल लेंगे और चावल को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये देखिए हमने चावल का सारा पानी निकाल लिया है। अब चावल को हम बड़ी थाली में डाल के अच्छे से ठंडा होने देंगे। तब तक हम कबूली का मसाला रेडी करेंगे और इन चावल को बिल्कुल ठंडा करना है, गर्म नहीं रखना है, नहीं तो चावल चिपक सकते हैं। कबूली के लिए हमने सब्जियां फ्राई कर ली है। अब हम मसाले की तैयारी करेंगे। मसाला बनाने के लिए हमने 1 छोटी कटोरी दही लिया है। नमक हमने 1.5 चम्मच लिया है, आप टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। नमक एक्चुअल में हमें व्हाइट चावल के अंदर भी मिक्स करना है थोड़ा, और थोड़ा हमें मसाले में भी करना है। गरम मसाला भी मैंने 1.5 चम्मच लिया है, ये भी चावल और मसाले दोनों में मिक्स होगा इसलिए थोड़ा ज्यादा है। हल्दी पाउडर हमने 1 चम्मच लिया है। लहसुन मैंने 5-7 कलियां ली है, उसे मैंने पीस लिया है। हींग और जीरा 1-1 छोटी चम्मच लिया है, जो हम चॉप में यूज लगा करेंगे। और मिर्च पाउडर हमने 1.5 चम्मच लिया है। कबूली में हम मसाले में थोड़े से काजू और किशमिश भीगे हुए भी लेंगे, उनको हमें मसाले में डालना है क्योंकि कबूली भी शाही कबूली होती है। तो इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, अच्छी लगेगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, अदरवाइज ना डालें। प्याज मैंने 1 बारीक कटा हुआ लिया है, वो हम चॉप में यूज करेंगे। 1 बारीक कटी मिर्च ली है और 2 मैंने कटिंग किए हुए टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने थोड़ा शेप लंबा दिया है, आप अगर चाहें तो बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन कबूली में आलू के सिमिलर मैंने टमाटर काटे हैं। धनिया मैंने लिया है, कुछ सजावट में काम आएगा और कुछ व्हाइट चावल में मिक्स करने के काम आएगा। सबसे पहले दही के अंदर मिर्च पाउडर, 1/2 नमक डालना है, 1/2 हमें बचाना है। 1/2 गरम मसाला और 1/2 बचा दीजिए। हल्दी पाउडर और पीसा हुआ लहसुन, आप
चाहें तो इन मसालों को मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हैं और चम्मच के साथ इसे अच्छे से ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अदरक का छोटा सा टुकड़ा क्रम्बल किया हुआ डाल दीजिए, फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। हम भी डाल रहे हैं। आप अगर चाहें तो इस मसाले में जरा सी अदरक क्रम्बल करके डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा तेल हमने कढ़ाई में से निकाल दिया है। हमने 1.5 चम्मच ऐसा तेल कढ़ाई में रखा है। इसी तेल को हम गरम करके हींग जीरे का छौंक लगाएंगे। तेल गरम हो गया है, जीरा, हींग और ये प्याज। गैस को मीडियम रखना, तेज नहीं करना है, क्योंकि हम जितना धीमी आंच पर मसाले को पकाते हैं मसाला हमारा उतना ही अच्छा बनता है। प्याज को हल्का ब्राउन होने दीजिए। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, इसमें हम मसाला डाल देंगे। मसाले को कम से कम 1.5 से 2 मिनट तक हम अच्छे से पकाएंगे। हमने 2 चम्मच पानी लिया है, वो कटोरी में जो बचा हुआ मसाला था उसे हिलाकर ले लिया है। इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे और इसे अब 1.5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए मसाले में जाली हो गई है, तेल भी ऊपर आ गया है। अब हमें हरी मिर्च इसमें डालनी है। ये जो काजू और किशमिश हमने भिगो के रखे थे वो भी हम मसाले में डालेंगे। टमाटर कटिंग किए हुए ये भी हम डाल देंगे। सब्जियों में हमें ये ध्यान रखना है कि ब्रेड हमें मसाले के अंदर नहीं डालनी है, ब्रेड हम बाद में डालेंगे। बाकी प्याज, गोभी और आलू, ये तीनों चीजें हम इस ग्रेवी में डाल देंगे। सारी सब्जियों को अच्छी तरह से हमें इस ग्रेवी के अंदर मिक्स करना है और 1 मिनट तक इसे पकने देना है ताकि सारी सब्जियों के अंदर मसाले का फ्लेवर आ जाए। कबूली के साथ जो हमने सब्जी तैयार की है ये हमारी तैयार हो गई है। सब्जी हमने पहले से फ्राई की हुई थी तो इतनी देर नहीं लगती है, ये 1 मिनट में हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और चावल के अंदर हमें क्या क्या मिलाना है वो आपको दिखाएंगे। चावल हमने अच्छे से ठंडे कर लिए हैं। चावल के अंदर हम ये बचा हुआ गरम मसाला जो लिया था वो हम इसमें डालेंगे। नमक भी वो जो बचाया था वो भी हम डाल देंगे और आधा धनिया हम इस चावल में ही डालेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं कि अगर ग्रेवी में मसाला है और चावल ये अलग अलग परतों में जमाया जाएगा तो चावल हमें फीके ना लगे, इसलिए हमने नमक और गरम मसाला चावल के अंदर भी डाला है। और धनिया व्हाइट चावल की खूबसूरती को बढ़ाएगा, इसलिए हमने कुछ धनिया इसमें डाला है ताकि सर्व जब आप करेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। हमने एक भगोला लिया है चावल और सब्जी को जमाने के लिए। देखिए किस तरीके से हम जमाते हैं। सबसे पहले भगोले के अंदर व्हाइट चावल की लेयर बनाएंगे इस तरीके से। नीचे अच्छे से व्हाइट चावल लग जाने चाहिए। इसके ऊपर अब हम सब्जी की लेयर डालेंगे। सारी सब्जियां हमारी अच्छे से मिक्स हुई भी है तो इसे इस तरीके से जमाना है। अब हमने जो ब्रेड बचाई थी फ्राई की हुई वो अब हम इसके ऊपर जमाएंगे।
पहले हमने इसलिए ब्रेड नहीं डाली क्योंकि ब्रेड तेल में डालते ही सारा तेल चूस लेती और वो ज्यादा ऑयली हो जाती, खाने में अच्छी नहीं लगती। इस तरीके से ब्रेड क्रंची रहेगी, खाने में भी अच्छी लगेगी। तो सब्जी के ऊपर हमने थोड़ी ब्रेड डाल दी है, थोड़ा सा हम धनिया और डाल देंगे। इसी तरीके से दूसरी लेयर फिर से चावल की बनानी है। ये देखिए दूसरी लेयर भी हमने सब्जी और चावल की लगा दी है। लास्ट में आप ये ध्यान रखिएगा कि हमें सब्जी की लेयर पर इसे नहीं छोड़ना है, वापस हमें ऊपर से व्हाइट चावल ही लगाने हैं। ये कबूली हमारी सर्व करने के लिए तैयार है। इसे सर्व करते वक्त आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे सर्व करते वक्त इस टाइप का चम्मच हमें लेना है। चाहे तो आप दूसरा भी लें, लेकिन लें थोड़ा चौड़ाई में, गोल चम्मच यूज नहीं करें, ताकि जब हम सर्व करेंगे तो हम चम्मच को इस तरीके से अंदर डाल के भरेंगे ताकि मसाला और चावल अलग अलग दिखाई दे। तो देखिए हमने जोधपुरी कबूली तैयार की है। ये यहाँ की फेमस है, यहाँ पर हर फेस्टिवल पे हर किसी के घर में ये कबूली तैयार की जाती है, सब बड़े शौक से खाते हैं। तो प्लीज आप भी अपने घर पर बनाइए और सबको खिलाइए। दोस्तों आज हमने ये जो शाही जोधपुरी कबूली बनाई है, इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी है आप मुझे जरूर अपने कमेंट भेजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप इसे घर पर जरूर बनाइए और सबको खिलाइए। थैंक यू।